असलम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के बेहतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसको आपका पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ना आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे तो साथियों सबसे पहले जो खबर आ रही है कतर की तरफ से आमिर एक्सचेंज ग्रीटिंग विद ईरानियन प्रेसिडेंट इराकी पी और सोमाली प्रेसिडेंट ऑन इवेंट ऑफ ईद उफित्र साथियों जैसे कि पता पूरी दुनिया में ईद उल फित्र कल और आज मनाई गई तो आ, कतर के जो आमिर साहब आमिर सा, तमीम मिद हमल थानी साहब ने ग्रीटिंग को एक्सचेंज यानी दोस्तों फ़ोन पे बातें हुई किससे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातें हुई इराक का जो पीएम एम उनसे बातें हुई और सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातें हुई यार दोनों को एक दूसरे देशों को बधाइयाँ दी है तो साथियों इस तरह से बहुत सारे और भी देश के लोगों से बातचीत हुई है कतर के आमिर के आमिर को फ़ोन में अगली खबर साथियों आ रही है ईद उल अलफ़ित्र प्रेयर ऑफर्ड वाल एथरिंग प्रिवेंटेड मेजर दोस्तों कतर में पूरी पूरी कतर में कल वहाँ पे ईद मनाई गई जिनमें से जहाँ पे भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई या ईद सेलिब्रेट किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड नाइन्टीन ना फैले उसको देखते हुए और जो भी रिस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की जो बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे कल ईद की नमाज़ अदा की ऐसा कतर के जो आमिर साहब ट्वीट करके बताया गया मिनिस्ट्री की तरफ से भी बताया गया है अगली खबर साथियों थ्री ट्वेंटी टू परसेंट फेस प्रिकॉशन वॉलेटिंग कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल दोस्तों उसके बावजूद भी कल के दिन वहां पे तीन सौ बाईस लोगों को पकड़ा गया जो कि लॉ नंबर सत्रह उन्नीस सौ नब्बे के तहत इन्फेक्शन और डिजीज़ को वो फैला रहा था जो कि बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा था तो तीन सौ सात लोग उनमें से ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे ग्यारह लोग ऐसे थे जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे चार लोग ऐसे थे जो ऐतराज अपलीकेशन को डाउनलोड नहीं किए थे कुल मिला के तीन सौ बाईस लोग थे तो फिलहाल सभी को पकड़ा गया सभी पर पे पेनल्टी लगाई फाइन लगाया गया और सभी को वार्निंग देकर छोड़ा गया है अगली खबर साथियों आ रही है कतरी मेडिकल अरेब्स इन इंडिया टू कॉप विथ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक दोस्तों कतर लगातार इंडिया की मदद कर रहा है तो दोस्तों कतर के तरफ से फिर से कतर आमेरी एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पर इंडिया में कुछ मेडिकल चीज़ों मेडिकल चीज़ों को भेजा गया वहाँ पे वेंटिलेटर भेजा गया गैस ऑक्सीजन भेजा गया तो दोस्तों जैसा कि आप कतर के जो फ्लाइट है ये आप देख सकते हैं इंडिया में आज कल के दिन वहाँ पर लैंड हुई और पूरे इंडिया में एक जगह जगह पहुँचाया गया अब साथ ही बात कर लेते हैं काफ़ी दिनों के बाद में कोविड 19 की ताज़ा अपडेट मैं आपको नहीं बताया था आज मैं आपको बता देता हूं तो अब तक कतर में उन्नीस लाख छिहत्तर हज़ार सात सौ अड़तालीस लोगों को कोविड 19 का वैक्सीन दिया जा चुका है 24 घंटा में बत्तीस लोगों को वैक्सीन दिया गया टोटल वहां पे दोस्तों जो रिकवरी हुआ है दो लाख संतावन लोग रिकवर हो चुके हैं चौबीस घंटा पाँच लोग रिकवर हुए हैं टोटल एक्टिव केस वहाँ पे छह हजार तीन सौ तिरानवे ही बचा हुआ दोस्तों टोटल वहाँ पे छे हजार तीन सौ तिरानवे एक्टिव केस है चौबीस घंटा में दो सौ चवालीस पॉजिटिव केस आए हैं टोटल वहाँ पे अब तक जो वहाँ पर तो टोटल तो 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 जो अभी तक जांच हो चुका है उन्नीस लाख चौसठ हजार सौ लोगों का और बताना चौबीस घंटा में साथियों चौदह एक लोगों का जांच हुआ है चौबीस घंटा में दो लोगों की मौत हुई टोटल पाँच लोग अब तक तो कोविड से मर चुके हैं चौबीस घंटा में दस लोग आईसीयू में गए टोटल दो लोग आईसीयू में है और एक्यूट हॉस्पिटल में चौबीस घंटा में सात लोग है टोटल तीन लोग हैं तो ये ये पूरी ताजा अपडेट थी कोविड 19 की आज की यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है स्वास्थ्य को लेकर तो वन सी ट्रिपल जीरो पर आप कॉल कर सकते हैं आपको तुरंत ही मेडिकल सहायता आपको दी जाएगी तो ये कुछ खबर थी साथियों और ये ताजा अपडेट थी कोरोना की तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग को इस की जानकारी हो सके मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पहले